मसूरी सिटी का बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा लाइटों लाइट जल रहा है। और खाने पे जो है ना, देख सकते हो आलू चोखा और चावल। 6 डिग्री है टेम्परेचर अभी। हम लोगों ने बर्तन वर्तन धो के आया ठंडा पानी से। बहुत मेहनत है, ट्रेवलिंग लाइफ इतना आसान नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है और एक नया ब्लॉग में। कल रात में टेंट लगाया था इस जगह पे, देख सकते हो ये कैफे के पीछे, ये जो बैठने का जगह रहता है ना वहाँ पर। बाकी नज़ारा चेक मारो एक बार, कितना सुंदर हो रहा है पहाड़ों का। बाकी अभी टाइम जो है ना कुछ 9:33 हो रहा है। उठने में तो जल्दी उठ गया था, लेकिन बैठ के एडिट शेडिट कर रहा था क्योंकि आज ब्लॉग अपलोड करना है। बाकी आज तारीख कितना हो रहा है, 24 नवंबर, देख सकते हो अमृत का ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुका है। बस मेरा अभी टेंट पैक करना है और अपना चेतक पे सब सामान लोड करना है। तो सब सामान वगैरह अपना चेतक पे लोड हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ एकदम राइड के लिए। और दोस्त ने मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया और अभी टाइम जो है ना कुछ देख सकते हो 12:38 हो चुका है। अभी मतलब रेस्ट लेने का समय हो रहा है और अभी हम लोग राइड स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करें, बात करते करते टाइम कहाँ से चल जाता है पता ही नहीं चलता है। बाकी टाइम का तो कुछ पता नहीं लगा और बहुत अच्छा लगा मीटअप करके भाई जी से। भाई का दिल काफ़ी बड़ा है और बोले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, ठीक है, और मन नहीं कर रहा जाने का और हमारा भी तो छोड़ने मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, कॉन्टेंट के लिए करना पड़ेगा काम और भाई वीडियोज बनाना। ओके अच्छा लगा आपसे मिलके। हैप्पी जर्नी। कैसा लगा आपको हमारा खाना? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और चलो राइड को स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का भी राइड को कर चुका है स्टार्ट, पैदल चलना क्योंकि मसूरी तक जो है ना पूरा चराई रोड मिलने वाला है और मसूरी का डिस्टेंस वैसे 11 किलोमीटर रह गया। कल 17 किलोमीटर था, यानी कल जो है ना बस 6 ही किलोमीटर साइकिल चलाया और इसी टाइम पे आके ये दोस्त लोगों के पास रुके थे और आज इसी टाइम पे निकल रहे हैं। 24 घंटा यहाँ पर बिता लिया हम लोगों ने। बाकी आज मसूरी पहुँचने का पूरा कोशिश रहेगा। 11 किलोमीटर है, ऐसे तो पहुँच ही जाएंगे, आराम आराम से चलेंगे। फिर भी बस रोड के बीच में वैसा कोई दोस्त ना मिल जाए रुखा लेने वाला दोबारा। पैदल पैदल चलते चलते जो है ना टाइम कुछ 4:17 हो चुका है। तो हम लोगों का भी थोड़ा भूख लग रहा था तो हम लोग रुके मैगी शेगी खाने के लिए। देख सकते हो मस्त अमृत उधर खा रहे हैं तो मैं भी खा लेता हूँ मस्त मैगी वगैरह खा के जो है ना पैदल चलते चलते अंधेरा हो चुका है और अभी तक हम लोग मसूरी सिटी में नहीं पहुंच पाया। अभी भी 4-5 किलोमीटर रह गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आधा दिन पूरा, मतलब हम लोग 1 बजे के टाइम पे निकले थे तो 1 बजे से लेकर 6 बजे तक अभी तक मतलब मसूरी नहीं पहुँच पाया 11 किलोमीटर। उसके पीछे जो रीज़न है, बीच में रुक के जो है ना अपना वीडियोज़ वगैरह एडिट करके अपलोड किया क्योंकि चैनल पर बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो आज फाइनली जाके उत्तराखंड का एपिसोड 1 अपलोड हो गया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख लेना पुराना वाला ब्लॉग। बाकी अभी जो है ना एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ से मसूरी सिटी का बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पूरा लाइटों लाइट जल रहा है। अभी जो है ना ये रोड ऐसे घूम के जाएगा मेन सिटी में। अभी 4 किलोमीटर और रह गया तो अंधेरा तो हो चुका है, तो मेन सिटी में पहुँचने से पहले ही रुकने उकने का जगह देख लेते हैं, नहीं तो मेन सिटी में पहुँचने के बाद पता ही है रुकने का कितना परेशानी होता है। रुकने के लिए जो है ना एक जगह मस्त मिल चुका है। तो अभी जो है ना हम लोग आए सबसे पहले खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था तो खाने पर देख सकते हो मस्त दाल चावल तो खाते हैं। ऐसे भी खाना पीना अपना मस्त हो चुका है और हम लोगों को टेंट लगाने की जगह मिला उसी अंकल के दुकान पे जहाँ पर बैठ के खाना खाया। ये दुकान पे बैठ के खाना खाया, अंकल अभी बंद करके चला गया और हम लोग इधर मस्त टेंट लगा लिया। 2 टेंट देख सकते हो लग चुका है। बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा है और टाइम जो है ना कुछ 9:40 हो रहा है। तो अभी मस्त मैं सो जाता हूँ और आज का दिन का ब्लॉग कितना ही बना होगा 4-5 मिनट का, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह उठ के सब सामान वगैरह अपना चेतक पे लोड हो चुका है और कल इस जगह पे अपना टेंट लगा हुआ था और अभी टाइम जो है ना कुछ 8:25 हो रहे हैं और आज का डेट है 25 नवंबर। बाकी अभी अंकल ने भी दुकान खोल दिया तो चाय शाय पीते हैं फिर आज का राइड को स्टार्ट करते हैं। चाय पी के आज का भी राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट और अभी जो है ना थोड़ा सा प्लेन रोड मिला देख सकते हो तो थोड़ा सा चला पा रहा हूँ। वैसे 4 किलोमीटर है तो थोड़ा टाइम में पहुँच जाएंगे मसूरी। थोड़ा सा आगे आते जो है ना एक पेट्रोल पंप मिला है देख सकते हो तो इधर रुक के मस्त ब्रश वगैरह किया क्योंकि जहाँ पर सुबह रुका हुआ था वहाँ पर पानी का ऑप्शन ही नहीं था। तो अभी ब्रश वगैरह करके देख सकते हो मस्त थोड़ा फल फ्रूट पड़ा हुआ था और बिस्किट वगैरह था तो यही सब खा के मस्त ब्रेकफास्ट कर लेते।
सेब नमकीन वगैरह खा के अपना राइड को दोबारा कंटिन्यू कर चुका हूँ और थोड़ा बहुत चढ़ाई है तो इसके वजह से जो है ना चला पा रहा हूँ, तो चला चला के चल रहा हूँ। चलते चलते जो है ना लंच टाइम हो चुका है, तो अभी लंच करने के लिए जो है ना एक ये छोटा सा दुकान मिला, तो इधर से देख सकते हो मस्त ये दाल चावल ले लिया, कुछ 40 रुपये का प्लेट है। और सिटी अभी भी ऊपर है, सिटी में सोच रहा हूँ एंटर करो या ना करो, क्योंकि सिटी में वैसा कुछ खास तो है नहीं, बस बिल्डिंगें देखने के लिए मिलेगा, तो सोच रहे हैं लंच करके डायरेक्ट निकल जाते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। लंच करने के बाद जो है ना हम लोग वहाँ से डायरेक्ट निकल गए थे उत्तरकाशी के लिए, लेकिन बीच में इतना खतरनाक चढ़ाई है ना मसूरी सिटी के अंदर, तो अभी भी जो है ना हम लोग मसूरी सिटी में ही है, मतलब मेन जो क्राउड वाला सिटी है वहाँ पर नहीं, साइड में हूँ सिटी से। तो इधर से जो है ना एक बहुत सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हो पूरा पहाड़ों का। बाकी मसूरी में जो है ना घूमने के लिए मॉल रोड वगैरह था और एक आधा मतलब बिल्डिंग वगैरह होगा, यही सब होगा, तो इसके वजह से मसूरी में घूम नहीं रहा हूँ डायरेक्ट, अभी उत्तरकाशी के लिए जा रहा हूँ। बट अभी टाइम जो है ना कुछ 5:23 हो चुका है, तो बस ये मसूरी सिटी से निकल जाते हैं बाहर की तरफ, नहीं तो रुकने उकने का परेशानी होगा। मसूरी सिटी से जो है ना लगभग 5-6 किलोमीटर आगे आ चुका हो, और अभी रुकने के लिए एक ये दुकान पर आया था देख सकते हो, तो आंटी से परमिशन मांगा, जगह दे दिया, बाकी अभी एक कप चाय पी रहे देख सकते हो, चाय और फैन, और टेंट लगाने के लिए ये शेल्टर के नीचे लगा लेंगे। तो गाइस टेंट वगैरह लगा के मस्त हम लोगों ने खाना बनाया, और खाने पे जो है ना देख सकते हो आलू चोखा और चावल, क्योंकि जल्दी बन जाता है ना ये, और एक ही बर्तन में बन जाता है, तो खाते हैं अभी। आलू चोखा है, मेरे को तो अच्छा ही लगता है, बाकी अमृत कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बस चावल थोड़ा ठीक नहीं बना क्योंकि ये बर्तन छोटा पड़ गया और चावल ज़्यादा हो गया था, तो चावल जो है ना गीला हो गया देख सकते हो, बाकी जो भी है के कारण अच्छा लग रहा है भाई। बिल्कुल ऐसा खाने जाओ तो कम से कम यहाँ पर 120 रुपये लेगा दोनों मिला के, जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना दोनों का मिला के लगभग 300 रुपया खर्चा पड़ जाता तो उससे बढ़िया बना के खाना ही बेस्ट है, लेकिन डेली ऐसा जगह मिलता ही तो नहीं है ना बनाने का, नहीं तो हम डेली बना के ही खाते, बाकी अभी खाते हैं खाने को। खाना पीना अपना मस्त हो चुका है, और खा पी के जो है ना बर्तन धोया ना, हाथ भी एकदम मतलब ऐसा हो गया जमने लग गया, तो देखो बुटीन गैस जला के हाथ सेक रहे, बहुत ठंड है, कितना डिग्री अमृत? 6 डिग्री है टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने बर्तन वर्तन धो के आया ठंडा पानी से, बहुत मेहनत है, ट्रेवलिंग लाइफ इतना आसान नहीं है। बाकी इस ब्लॉग को जो है ना यही पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।